स्टूडेंट्स कैसे हैं आप कल जो हमारा टॉपिक था इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन था आज जो हमने करना है वो उसमें स्टूडेंट्स अब ये है कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर आपका जो है ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्परेशन नहीं है और ना ही आपका ये एनर्जी बजट ऑफ रेस्परेशन है आपने जो करना है वो इसमें टेबल सेवन पॉइंट वन और सेवन पॉइंट टू करना है अब यह कि इसमें आपने आपको क्वेश्चन बनेगा वाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसेंथिसिस एंड रेस्परेशन यू डिस्क्राइब डिफरेंसिस बिटवीन फोटोसेंथिसिस एंड रेस्परेशन सबसे पहले अगर देखा जाए फोटोसेंथिसिस एंड रेस्परेशन तो फोटोसेंथिसिस जो है अगर मेटाबोलिज्म के लिहाज से देखा जाए तो क्योंकि इसमें सी सिक्स ए ट्वेल्व ओ सिक्स बनता है तो ये एनाबोलिज्म है और रेस्परेशन जो है ये कैटाबोलिज्म है ठीक है क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन होती है और इसमें कॉम्प्लेक्स मालकूल की सेंथिसाइज होती है एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स इन इन्वेस्टमेंट ऑफ द लाइट एनर्जी टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी ठीक है क्योंकि फोटोसेंथिसिस में सोलर एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही होती है और वो एनर्जी जो है वो इसके अंदर फूड के बॉन्ड्स के अंदर जो है वो स्टोर हो रही होती है बॉन्ड एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी और रेस्परेशन के अंदर जो है वो एनर्जी जो है बॉन्ड एनर्जी जो कि फूड के अंदर होती है वो किसके अंदर हो जाती है केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी के अंदर हो जाती है ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ जिनके वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एल एंड प्लांट्स और रेस्परेशन जो है ये ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगी ठीक है तब चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल है चाहे वो एल जी है सब के अंदर रेस्परेशन होगी साइटोफेगोरेंस यानी कि कहाँ पे टेक प्लेस हो रही है तो फोटोसेंथिसिस जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है रेस्प्रेशन का प्रोसेस जो है ये साइटोपलाज के अंदर और माइट्रोक्रिया के अंदर होता है टाइम ऑफ एक्स फोटोसेंथिस डे टाइम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में और रेस्प्रेशन जो है ऑल द टाइम ठीक है तो एनाबलिज्म जो है फोटोसेंथिस जो है वो एनाबोलिज्म है रेस्परेशन जो है वो कैटाबोलिज्म है फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी होती है वो स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ बाउंड एनर्जी और रेस्पिरेशन के अंदर बाउंड एनर्जी जो है वो ट्रांसफर्ट होती है इन टू केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी के अंदर वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है बैक्टीरिया हैं एल हैं है एंड प्लान्स हैं रेस्पिरेशन जो है तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म और माइट्रोकॉन्डिया के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस ओनली डे टाइम में जब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में होगी और रेस्परेशन ऑल द टाइम हो जाएगी फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज के अंदर 136 पेज के ऊपर आप देखें 136 पेज के ऊपर यह है डिफरेंसेस अरोबिक एंड अरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मौजूदगी है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनके इसमें चाहिए एनारोपिक रेस्परेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए इसके अंदर अरोबिक रेस्पिरेशन में जो एटीपी बनती हैं वो थर्टी सिक्स बनती हैं और एन आरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी जो है वो टू बनती हैं अरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है और एन आरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड एथनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है साइट ऑफ एक्कोरेंस जो है क्योंकि ये तीन स्टेप्स में कर रही होती है में ग्लाइकोलाइसिस क्रैप सैकल्स एंड अलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अरोबिक रेस्प्रेशन का जो मेकानिजम होता है वो थ्री स्टेप्स पर कॉन्सिस करता है ग्लाइकोलाइसिस क्रैप सैकल्स एंड अलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चोन जो जो ग्लाइकोलाइकिस का प्रोसेस होता है वो साइट्रोप्लाजम के अंदर होता है जो ग्रेप सैकल्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता है वो माइट्रोकॉन्डियम ही होता है ठीक है और एन अरोबिक रेस्परेशन सिर्फ और सिर्फ साइट्रोप्लाजम के अंदर होगी ठीक है और उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस अरोबिक रेस्परेशन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म है एन आरोपिक रेस्परेशन की इंपॉर्टेंस क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन ऑर्गेनिज्म के अंदर ठीक है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऑक्सीजन के बगैर रेस्पायर करती हैं सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन आरोपिक ऑर्गेनिज्म इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सोर्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स एथेनॉल चीज और इसके अलावा यूगर सोया सॉस ठीक है जिसकी इंपॉर्टेंस आ जाएगी ठीक है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन में ए टी पी के माल को थर्टी सिक्स बनती हैं एन एरोबिक में टू बनती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड है या एथानॉल है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है औरबिक रेस्परेशन जो है ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा क्रब क्रबसेकल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जोइन जो है वो माइट्रोकॉन्डी के अंदर होगा एनारोबिक रेस्परेशन साइटोप्लाज्म के अंदर और रेस्परेशन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी मोस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए है एनारोबिक रेस्प्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनआरोबिक ऑर्गेनिज्म इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सोर्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स है एथेनॉल चीज़ जोकर सोया सा सो। और स्टूडेंट इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन राइट डोंट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनआरपिक रेस्प्रेशन ठीक है तो फिर आपने ये वाला इतना सा पॉइंट इसका लिख देना राइट डोंट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एन आरोपिक ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर कल इन ताला जो है वो हम इसके रिव्यू के करेंगे ओके अल्लाह हाफ़